नमस्ते भाव लोग, कैसा गाय, वेलकम बैक टू चैनल आरएस के अंडर में ब्लॉग्स। और यार आज अपन मस्त जगह जा रहे, और जाने के पहले बताओ, सुबह सुबह अपना पार्सल आ गया। मैंने कल ऐसे ही अमेजोन पे कुछ चीजें देख रहा था, शाम को ऑर्डर किया, सुबह सुबह आए भी गया। दिखा दो आपको क्या है इसके अंदर। की तरफ से मैंने मंगाया एक लेंस गॉगल, तो मेरे को पड़ा अप्रोक्स 400 रुपीज का सिर्फ। तो मुझे पैटर्न अच्छा लगा था तो मंगाया, लेट्स सी अपने ऊपर कितना सूट होता है। जो फ्रेम चाहिए था वही फ्रेम मैंने प्रॉपर मिली अपने को, ब्लैक शेड मेरे पास था नहीं। और ये बाजू में ना कुछ ऐसा स्प्रिंग जैसा आइटम है, यूनिक लगा। पैसा लग रहे लैपकॉन। पहली बात तो ना, मेरा फेस छोटा है ना, तो मुझे ज्यादा जल्दी फ्रेम था सेट नहीं होते, तो और ये फ्रेम अच्छी है, सेट हो गई है मेरे पे। भाई जा रहा था कुछ और देखने, राहुल भाई मिल गए, हमारा कुछ और प्लान बन गया। अब मैं जा रहा हूँ खारघर, अब वो भी आगे बताता हूँ क्यों। कीड़े है ना, कीड़े जो फर्स्ट डे बोले थे मैंने, अभी तक मचल रहे मेरे में। तो कीड़े सुला देखते हैं, सुला जब सब होते हैं, ये सुला के ही मानेंगे, नहीं मानेंगे कीड़े सुला के ही मानेंगे। फाइनली एक घंटे के कश्मकश के बाद हम लोग बेलापुर पहुंच गए। आज एक्चुअली दो काम थे, मेरा डाइवर्ट हो गया प्लान थोड़ा। एक तो यही पे जहाँ पे मैं अभी आया, यहाँ पे मेरे शूट का लोकेशन होने वाला है, जो आने वाले इसमें करने वाले हम लोग मतलब राहुल भाई, हीरो राहुल भाई की शक्ल बनेंगे बनेंगे, हम भी हीरो बनेंगे। बन गए हो यार, तू ऐसा जो रहता हीरो ही है। वो मेरा एक रैप सॉन्ग है, उसका शूट है, मैं अभी लोकेशन भी दिखा देता हूँ। और उसके बाद जो मैंने बोला कीड़े मचल रहे, तो और एक गाड़ी अच्छी लगी है, ऑनलाइन जाके चेक करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे क्या उसका आगे का हमारा डिसीजन है। अभी ये व्यू दिखाता हूँ, तो ये सुमसाम सा जो जंगल का रास्ता है यही पे इधर तो जाके एक स्पॉट ढूंढ रहे, परसों के शूट के लिए एक स्पॉट ढूंढ रहे। तो हम लोग आए होंडा सिटी देखने के लिए, तो थोड़ी बहुत लगभग तो सही लग रही है, थोड़ी सा इंस्पेक्शन करेंगे अभी। मतलब फिजिक्स से तो अपने को इतना नॉलेज हो गया कि खुद भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अभी जाने हैं तो ऑन करना पड़ेगा, टॉर्च लाइट ऑन करना पड़ेगा, दिखेगा नहीं। लेवल तो है ऊपर का, है ना? अब ये वीडियो एडिट करते करते मैंने नोटिस किया है कि नीचे थोड़ा सा ऑयल लीकेज मुझे लग रहा है, मतलब इंजन को ऑयल चिपका हुआ है। तो जैसे भी है, कल इसको साथ में लेके जाएंगे हम लोग मनोज को, और फिर डिसाइड करेंगे। चारों डोर एंड्स में जो है नीचे की तरफ रस्ट दिख रहा है, मेजर नहीं है पर है रस्ट, मतलब ऑब्वियसली इतनी पुरानी गाड़ी है 2009 की, तो रश तो मिलेगा हर जगह पे। टायर भी ओके है, मतलब मेरे ख्याल से, मेरे अंदाजे से 20,000 से 30,000 किलोमीटर चल सकते हैं। तो फाइनली हमने उन्हें देख लिया, अभी होंडा सिटी 2009 का मॉडल था। हम लोगों ने अपना वापस बजट दे दिया एक फाइनल, जो है अगर गाड़ी तो सही लगी, मतलब पिछली बार जैसा तो धोखा नहीं हो सकता इस बार, बट स्टिल धोखा कभी बोल के नहीं आता। सेकेंड हैंड चीज सेकेंड हैंड ही होती है, उसके ऊपर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी एक हम लोग ने डील ले दी, अगर वो हो जाती है फाइनल, मिल जाती है अपने को, हाँ बोल देता है, तो कल अपने हाथ में गाड़ी रहेगी, है ना।
पॉजिटिव। अगर नहीं होता है तो अपने को इस बार घाई नहीं करने का। चलो मिलता हूँ आपको घर पे। सो फाइनली आई एम बैक, पता है मनोज के गैरेज पे आके रुका। मैं बोला पूरा दिन गाड़ी 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 हुआ तो खत्म भी अपन गाड़ी के साथ ही करेंगे। तो मनोज से भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था गाड़ी का फोटोज वीडियो दिखा के, तो लेट्स सी। वो बोल रहा है ऐसा ऊपर ऊपर से तो अच्छा दिख रही है, लेकिन सुबह वो मैसेज आके फाइनल चेक करेगा, फिर वी ऑल विल क्लोज द डील अगर सही हुई तो। तो लेट्स एंड होप आज का दिन भी मेरा आपको देख के समझ में आ गया कितना पूरा सुबह से लेकर शाम तक खाली इधर उधर चार हो। थैंक फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, वंदे मातरम, टेक केयर।